दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ? व्हाट इज लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल के देवस्थल में लगी। हाईटेक दूरबीन से परिणाम मिलने में अभी समय है, लेकिन विश्व रिकॉर्ड की वजह से यह सुर्खियों में है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्था ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। व्हाट इज लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर चालू किया गया है। नैनीताल के देवस्थल में लगी हाईटेक दूरबीन से परिणाम मिलने में अभी समय है, लेकिन विश्व रिकॉर्ड की वजह से यह सुर्खियों में है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्था एरिक्स नैनीताल ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। खगोल वैज्ञानिकों ने देवस्थल में 4 मीटर व्यास वाली पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित करने में सफलता हासिल की है। इस टेलीस्कोप की स्थापना में भारत समेत कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड एवं उज्बेकिस्तान ने सहायता किया है। सभी देशों की इस संयुक्त परियोजना की लागत करीब 50 करोड़ बताई गई है। इस टेलीस्कोप का उपयोग सितारों, अंतरिक्ष, मलबे एवं उपग्रहों जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने हेतु किया जाएगा। इस टेलीस्कोप के माध्यम से तारा समूहों, आकाशीय पिंडों की खोज, आकाशगंगाओं, बाइनरीज, स्टार्स, गुरुत्वाकर्षण लेंस प्रणाली समेत अन्य अनसुलझे अंतरिक्ष विषयों के शोधों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आकाशीय क्षेत्र में लंबे अध्ययन हेतु प्रयोग होती है। लेंस में मरकरी उपयोग होने से यह दर्पण की तर्ज पर काम करता है। बता दें कि इससे टकरा कर लौटने वाले प्रकाश को कैमरे में कैद कर अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी तारामंडल या समूहों पर 5 साल तक नज़र रखी जाती है। इससे ब्रह्मांड को और नज़दीक से जानने का अवसर मिलेगा। यह टेलीस्कोप क्यों खास है? भारत के खगोलविदों ने यह टेलीस्कोप कनाडा एवं बेल्जियम के विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित की है। बता दें समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित की गई है। इस टेलीस्कोप से कई आकाशगंगाओं को देखा जा सकेगा। इस टेलीस्कोप का निर्माण कार्य साल 2017 में शुरू हो गया था। इस टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष में होने वाले हलचल पर नज़र रखी जा सकती है। इस टेलीस्कोप से बहुत ज़्यादा डेटा एकत्र किया जा सकेगा। बता दें कि इस टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में होने वाले 2 वस्तुओं के बीच के ट्रांजिस्ट यानी परागमन का सटीक डाटा मिल सकेगा। इस टेलीस्कोप से आकाशगंगाओं के आकार में होने वाले परिवर्तन की जानकारी मिल सकेगी। आकाश में उड़ने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त उल्का वृद्धि जैसी घटनाओं को कैमरे में कैद कर सकेगा। यह टेलीस्कोप किसी भी तारे के घनत्व, तापमान और अन्य बारीक जानकारी जुटाने में मददगार साबित होगा। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।